नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निकर से हूँ। आज मैं आपके सामने स्वाइप का एलाइट डिवाइस का रिव्यू लेके आया हूँ। इस बॉक्स को ओपन करने से पहले मैं जल्दी से इसका जो फीचर है वो मैं बताना चाहूँगा। वैसे मैं इस डिवाइस की जब अनबॉक्सिंग की थी तो उस समय भी मैंने फीचर बताया था, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो डिवाइस है इसकी जो स्क्रीन साइज है वो 4.98 इंच की है, लगभग ये 5 इंच के करीब है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है 1.3 गीगाहर्ट्ज़ क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें जो इंटरनल मेमोरी है वो 16 GB की है और इसको आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। ये एक डुअल सिम 3G डिवाइस है। ये जो फ़ोन है इसमें जो रैम है वो 2 GB की रैम है और ये जो डिवाइस है ये आपको एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0 वर्जन पे चलता है। इसमें जो बैक कैमरा है वो 13 MP का है और फ्रंट कैमरा जो है वो 8 MP का है और जो बैटरी जो इस डिवाइस के अंदर है वो 2500 mAh की है। ये जो डिवाइस है ये ब्लूटूथ, वाईफाई, FM और GPS सबको सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अब मैं जल्दी अब इसके बॉक्स को ओपन करता हूँ और ये देखिए ये फ़ोन है स्वाइप का एलाइट। अब मैं जल्दी से इसके अंदर जो जो चीज़ें वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपको टेबल ऑफ कंटेंट, यूजर गाइड है, ये आपको वारंटी कार्ड है। इसके अंदर जैसे कि अनबॉक्सिंग में मैंने भी बताया था, ये देखिए ये आपको हेडफोन है, ये आपको चार्जिंग कॉर्ड है और ये आपको चार्जिंग एडेप्टर, ये देखिए चार्जिंग कॉर्ड, चार्जिंग एडेप्टर। तो इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ें थी, ये देखिए। तो दोस्तों अब मैं जल्दी से इस ये जो डिवाइस है इसके बारे में दिखाना चाहूँगा। इसका जो राइट हैंड साइड पे ये देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर की है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए वॉल्यूम रॉकर की। इसके ठीक नीचे ये छोटा सा जो बटन है ये पावर की है। इस डिवाइस के ऊपर यहाँ पे आपको ये देखिए ये आपको 3.5 mm ऑडियो जैक है जिससे कि आप गाने सुन सकते हो हेडफोन के थ्रू। ये यहाँ पे ऊपर ही आपको ये चार्जिंग पोर्ट है जिससे कि आप इस डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। नीचे के साइड यहाँ पे देखिए ये माइक है, रिसीविंग माइक, ठीक है। और ये इस फोन की जो बनावट है ये आप देखिए ये काफी अच्छी है और इसके जो एजेज हैं ये देखिए, ये जो एजेज के बारे में जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये काफी अच्छे कर्वी है। यानी आप इसको जब ऐसे अपने हाथ में होल्ड करके आप कोई भी गेम या मूवी ऐसे देखोगे तो ये काफी अच्छा आपको अपने हाथों पर लगेगा। और ओवरऑल इसकी जो बैक साइड है ये भी काफी अच्छी है जो कि हाथों में इस तरीके से ग्रिप करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, ये देखिए। तो ओवरऑल इसका डिजाइन और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अब मैं ये जैसे कि मैंने बताया ये देखिए इसकी जो स्क्रीन साइज जो है ये आपको लगभग 5 इंच की है, 4.98 की है या 4.98 और बैक कैमरा 13 MP विद फ्लैश है और फ्रंट कैमरा जो है आपको 8 MP जैसा कि 8 MP। तो दोस्तों अब जल्दी से मैं इसके बैक पैनल को ओपन करता हूँ और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये देखिए बैटरी जो कि 2500 mAh की और जो कि रिमूवेबल बैटरी है। इस डिवाइस के अंदर जो सबसे अच्छी चीजें हैं जो कि मैंने, चूंकि ये जो डिवाइस है ये आपको 19 अगस्त को लॉन्च होगा और जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये डिवाइस, तो सबसे अच्छी जो इस डिवाइस की जो बात है कि इसमें आपको जो दो सिम स्लॉट हैं, ये जो एक सिम स्लॉट है ये नॉर्मल सिम स्लॉट है जो कि आज से 5 या 6 साल पहले जो नॉर्मल फीचर फोन्स में जो सिम स्लॉट यूज होते थे तो वो सिम स्लॉट है यहाँ, और यहाँ पे आपको माइक्रो सिम स्लॉट है। तो यानी जो यूजर्स जो कि पुराने यूजर्स हैं जो कि अभी भी फीचर फोन जो पुराने जमाने के फीचर फोन को यूज कर रहे हैं वो इस उस फोन की जो सिम है वो इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो बड़ी वाली जो सिम होती थी और यहाँ पे आप वो छोटी माइक्रो सिम जो है वो आप यहाँ उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बड़ी सिम और माइक्रो सिम या दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं जल्दी इस फोन को मैं यहाँ पे बैटरी को असेंबल करता हूँ और अब इस डिवाइस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। ये देखिए ये डिवाइस ओपन हो रही है, ये देखिए ये डिवाइस धीरे धीरे ओपन हो रही है, स्वाइप। तो ये इसका ये फर्स्ट लुक तो मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखाया था। ये आपको लॉक स्क्रीन है जो कि मैंने नीचे की तरफ किया और ये डिवाइस ओपन हो गई। तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर स्वाइप वालों ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन्होंने अभी अभी लॉन्च किया है उसके साथ ये डिवाइस आ रहा है जो कि फ्रीडम OS के नाम से है। तो अब इस डिवाइस के अंदर हम सबसे पहले सेटिंग एरिया के अंदर जाके हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए इसके सेटिंग एरिया के अंदर जैसे कि और
डिवाइसेस में होता है वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉट नॉट, सिम कार्ड, डेटा यूजेज, होम, वेक जेस्टर। ये जो फोन है जो कि 5999 का फोन है और इसके अंदर आपको जेस्टर सेटिंग्स भी आती है, ये देखिए आप, जिससे कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि आपको डायरेक्टली कैमरे के अंदर जाना है तो ये देखिए यहाँ पे कैमरा के लिए आपको स्क्रीन की जो लॉक स्क्रीन होगी, ये देखिए इसके ऊपर मैंने सी टाइप किया तो ये देखिए ये सीधे कैमरे के अंदर गया। तो ये एक जेस्टर एक काफी अच्छा फीचर है जो कि ये लो इस ये जो डिवाइस है जो कि काफी कम दाम का है इसके साथ आता है। कॉन्टेक्ट के लिए आपको ओ टाइप करना है, म्यूजिक प्लेयर को अगर आपको लॉक स्क्रीन से टाइप करना है तो सीधे आप एम कर सकते हो। तो ये काफी एक अच्छा फीचर है जो इस फोन के साथ आ रहा है। इसके अलावा और जो है साउंड एंड नोटिफिकेशन है, स्टोरेज है। स्टोरेज के बारे में बहुत लोगों का कंसर्न होता है तो ये जो डिवाइस है ये आपको इसमें जो इंटरनल मेमोरी है वो आपको 16 GB की है और इसमें जो अवेलेबल मेमोरी जो यूजर को मिलेगी वो 9.42 GB है। लेकिन मैं आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें इस रिव्यू के दौरान मैंने एक गेम इसमें इंस्टॉल किया है, गेम हाई मतलब हाई परफॉर्मेंस गेम है, वो गेम का भी मैं रिव्यू आपको मैं दिखाऊंगा कि गेम इस डिवाइस के ऊपर कितना अच्छा सा चलता है, अच्छे से चलता है। तो वो जो गेम है वो 2 से 3 GB का है, वो देखिए वो मैं आपको मैं होम स्क्रीन पे वो गेम अभी भी है, ये एसफॉल्ट 8 करके ये गेम है, ये आप देखो हाँ, तो ये लगभग 2 से 3 GB का स्पेस ले लेता है ये गेम। तो ये गेम इसके अंदर इंस्टॉल है तो यूजर को बाय डिफॉल्ट इसमें आपको कम से कम 9.42 तो 11 GB के करीब यूज करने के लिए मेमोरी मिलेगी। अब मैं इसकी जो ऐप के अंदर मैं जाके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए मैंने बोला था एसफॉल्ट 8 तो यहाँ पे मैंने इस रिव्यू के टाइम पे इसको इंस्टॉल किया, ये देखिए ये आपको 1.57 GB यानी 9.42 और 1.57 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये लमसम आपको 11 GB के करीब आपको फ्री मेमोरी मिलेगी। ये अब इसके अंदर हम रैम को चेक करते हैं कि इसमें रैम कितना यूजर को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे फ्री जो रैम है 1.4 GB है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रिव्यू के टाइम पे है जिसको कि मैंने काफी एक्सटेंसिव यूज किया है इस डिवाइस को, इसको मैंने काफी इसकी अच्छे तरीके से इसकी रिव्यू की है, मैंने गेम खेले हैं, बहुत सारी चीज की है इस पे। तो आपको 1.4 GB आपको फ्री मिल रहा है और सिस्टम जो है वो 362 MB रैम की यूज कर रहा है। तो ओवरऑल ये काफी एक लो कॉस्ट में एक काफी अच्छा डिवाइस मुझे लगा रिव्यू के टाइम पे और जिसे मैंने बहुत दिनों तक कम से कम नहीं भी तो 7 से 8 दिनों तक प्राइमरी डिवाइस में मैंने यूज किया है। इसमें सबसे अच्छी एक और क्या बात है जो कि मैं बाद में भी बताना चाहूंगा लेकिन अभी बताना चाहूंगा, सेटिंग एरिया के अंदर आपको इमरजेंसी रेस्क्यू है। ये देखिए ये इमरजेंसी रेस्क्यू है कि इसके अंदर आपने इसके अंदर सिम नहीं है, अगर मानते हैं सिम है और आपका फोन नेटवर्क एरिया से बाहर है तो और अगर आप उस समय किसी इमरजेंसी में हो तो उस इसके अंदर आप डायरेक्ट उस नंबर को जो नंबर को आपको कॉल जितने भी आपको 3 डायल्स नंबर हैं फोन का इमरजेंसी नंबर्स या फिर आपके कोई भी दोस्त या फैमिली के नंबर से आप यहां पे उसको डाल सकते हो। तो जो कि आपका जो फोन जो कि कवरेज एरिया से बाहर है फिर भी इमरजेंसी के टाइम पे उनके पास कॉल चला जाएगा, जो कि काफी अच्छा फीचर इस इलाइट डिवाइस में है जो कि स्पाइस ने अभी भी लॉन्च किया है। अकाउंट है, लैंग्वेज, बैकअप एंड रिसेट जो कि हर डिवाइस में होता है, एक्सेसिबिलिटी, प्रिंटिंग है, ठीक है। इसके अंदर आपको चूंकि लो कॉस्ट डिवाइस है लेकिन एक और अच्छा फीचर है जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिवाइस के साथ खेलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं इस डिवाइस को रूट करूं, इसकी जो कस्टम रोम है मैं इसकी जो रोम है उसको मैं बदलूं, उसको अपने हिसाब से करूं, या फिर इसमें जो प्रीलोडेड एप्स है उसको मैं डिलीट करके उनको मैं डिलीट कर दूं ताकि उनकी इस डिवाइस की और परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो उसके लिए ये डेवलपर ऑप्शंस है भी इस फोन के अंदर है जो कि इस फोन को एक काफी अच्छा हाई एंड फोन बनाता है। इसके अंदर देखिए आप जाके इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके आप इस डिवाइस को रूट भी कर सकते हो। तो ये काफी एक अच्छा फीचर मुझे लगा इस जो सेटिंग एरिया के अंदर जो इन्होंने दिया। अब लास्ट में हम अबाउट फोन के अंदर आते हैं। इसके अंदर देखिए वो जो एंड्रॉयड वर्जन जो कि लॉलीपॉप है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये सारी चीजें, तो ये मुझे काफी एक अच्छा एक डिवाइस लगा। तो दोस्तों अब मैं इसके जो कैमरे के अंदर मैं आपको मैं जाकर दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर और क्या क्या है कैमरे के अंदर। तो कैमरे के अंदर ये आपको नॉर्मल जो स्टॉक एंड्रॉयड के जो एप्स हैं वो हैं और इसकी जो सेटिंग्स जो नॉर्मल एंड्रॉयड फोन में होती है वो सारी सेटिंग्स इसके अंदर है। तो मैं ज्यादा देर किए बगैर मैं आपको इसके जो कुछ इमेजेस हैं मैं आपको मैं दिखाना चाहूंगा
अब मैं आपको जो इमेज में जो मैं भी रिव्यू करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लो लाइट की इमेज दिखाऊं, क्योंकि लो लाइट की इमेज से ये फायदा होता है कि यूजर को पता चलता है कि हाँ जो भी इमेज है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, वो इस वीडियो को देख के ही जज कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि ब्राइट लाइट या फिर नेचुरल लाइट या फिर सनलाइट में अगर आप वीजीए से भी अच्छे ब्राइटनेस के साथ फोटो को क्लिक करो तो फोटो काफी अच्छी आती है। तो ये देखिए, मैंने विदाउट फ्लैश ये इमेज लिया है और आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी इसकी इमेज है आ रही है, ये आप देख सकते हो। तो और भी मैं आपको इमेज में दिखाना चाहूंगा, ये देखो ये फ्लैश के साथ लिया मैंने, तो ये देखो कितनी अच्छी इसकी इमेज है, और ये देखो आप। तो ओवरऑल इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी इस डिवाइस की, तो मैं ओवरऑल काफी सेटिस्फाइड हुआ। इसके फ्रंट कैमरे की भी क्वालिटी से मैं सेटिस्फाइड हुआ। तो अब मैं देर किए बगैर मैं आपको इसके नोटिफिकेशन एरिया में जाके दिखाना चाहूंगा कि उसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए, हम नोटिफिकेशन एरिया में हैं। इसके नोटिफिकेशन एरिया में आप देखो, इन्होंने काफी अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन एरिया बनाया है। ऊपर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ सबसे ऊपर है, जिससे कि कोई भी अगर लेमैन मतलब कि कोई कम यूज करने वाला बंदा अगर चाहे तो उसको नोटिफिकेशन एरिया के अंदर खोजना नहीं पड़ेगा कि भाई वाईफाई कहाँ है ब्लूटूथ कहाँ है। फिर ये देखिए, आपको एयरप्लेन मोड है, पोर्ट्रेट है, फ्लैश लाइट है, लोकेशन है, कास्ट स्क्रीन है, हॉट नोट है, ऑडियो प्रोफाइल है, डेटा कनेक्शन है, टाइम आउट है। तो ये सारी चीजें इस फोन के अंदर है। तो दोस्तों ये मैं अभी इस फोन के साथ ये मेरा जो नॉर्मल रिव्यू था इसको मैं अभी समाप्त करता हूँ, और मैं इस फोन की जो गेमिंग क्वालिटी और कुछ और फंक्शंस हैं वो मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। अगर आपको इस डिवाइस से रिलेटेड और भी कुछ जानना हो तो आप इस कमेंट एरिया के अंदर आप अपने क्वेरी या प्रॉब्लम को लिख सकते हो, या मेरी ईमेल आईडी जो कि technutor@gmail.com है उस पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा जो ये वीडियो जो अभी अभी मैंने ये जो बनाया है जो आप देख रहे हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जो मेरा चैनल टेक्न्यूटर है उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सायनारा, टेक केयर, थैंक यू।